सदर सांसद रवि किशन ने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि यूपी में 80 सीट जीत रही है भाजपा, प्रदेश का बच्चा, नौजवान व मुस्लिम महिलाएं वोट देने का कर रही हैं इंतजार। साइलेंसर लगाकर बोर्ड परीक्षा में छात्रों के पढ़ाई में खलल डालने वाले 8 बुलेट को किया सीज, की जा रही है आगे की विधिक कार्रवाई। मारवाड़ी युवा मंच गोरखपुर की शाखाओं ने उड़ान शाखा, संगिनी शाखा एवं मारवाड़ी युवा मंच द्वारा 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के द्वारा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया शुभारंभ। महापौर ने आंखों का करवाया जांच, शाम तक 500 लोगों ने करवाया इलाज। उत्तर प्रदेश ज्वेलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा पहुंचे गोरखपुर। गोरखपुर प्रथम आगमन पर ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा और गुल्लू के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का एक निजी लान में किया गया भव्य स्वागत। कहा, जो सरकार व्यापारियों के हित में करेगी कार्य, व्यापारी उसी सरकार को लोकसभा चुनाव में करेगा वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। कहा, स्वयं और शहर को स्मार्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अपनाना आवश्यक, दुनिया हमारे शहरों से सीखे, स्मार्ट बनाने का ऐसा हो प्रयास।